सभासद माननीय सभापति जी। क्वेश्चन आवर जी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी और बेरोजगारी पर बहस हो रही थी और मंत्री जी नकवी जी ने आनंद शर्मा खड़े हुए थे उसका सपोर्ट करने के लिए। वो उन्होंने जो बात कही वो ऐसी बात उन्होंने कही नहीं थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन उस सवाल को सभी पार्टी के लोग उठा रहे थे, आनंद शर्मा जी ने उठाया। उस पर जो मंत्री जी का रिएक्शन था मैं उसको ठीक नहीं मानता। मेरी आपके माध्यम से विनती है कि उस सवाल को, वो सवाल का वास्ता ही नहीं था जो आपने बोल दिया, इसलिए उसको वापस करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को आपने एक कटघरे में खड़ा किया, वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट प्लीज। सर, आदरणीय शरण जी इस सदन में सबसे सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य हैं। उस समय जो शोरगुल में बात आई थी वो रिकॉर्ड आप चेक कर लें, ये बात कहीं से आई थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हताश निराश है। तो हमने ये कहा था कि देश में किसी तरह की हताशा निराशा नहीं है, ये देश वीरों का देश है, ये देश जो है वो बहादुरों का देश है, और हर परिस्थिति में देश आगे बढ़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में भी आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक प्रश्न है हताशा निराशा का, मैंने कहा था कि हो सकता है कुछ नाम लेके एक पार्टी का कहा था और मैं उसको अपना वापस लेता हूँ, उस पार्टी का नाम हमारे पास से हटा। चलिए चलिए, क्वेश्चन 136। ओके सर, we have always been emphasizing on agriculture output rather than the farmers' income, but this government is now stated thinking about the farmers' income, which is a good sign. One of the 8 approaches of the government to double the farmers' income is marketing. If it is done through electronic trading, we can remove middlemen and increase the farmers' income considerably. But to allow the electronic trading, states has to amend APMC Act to facilitate farmers in selling their produce in mandis. So I would like to know from Honorable Minister, what efforts he is making to pursue the states to amend the APMC Act and permit electronic sale of the farmers' produce. Mahoday, Modi sarkar aane ke 6 baras pehle राष्ट्रीय कृषि मंडी बनाने हेतु प्रयास शुरू हुआ था और इसके तहत मंडी कानून राज्य सरकार बनाती है तो लगातार प्रयास चलते रहे कि राज्य सरकार मंडी कानून में परिवर्तन करे, क्योंकि राज्यों में अलग अलग मंडियों के लिए अलग अलग कानून, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था नहीं, कानून में इसका प्रावधान नहीं, अलग अलग लेवी। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो हमने भी इसके लिए प्रारंभ शुरू किया, कई बैठकें की, लेकिन राज्यों की ओर से बहुत इसमें रुचि नहीं दिखाई। अंत में 15 के प्रारंभ में सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को और मार्केटिंग सेक्रेटरी को एक साथ ले जाकर कर्नाटक में कुछ प्रयोग हुए थे, वहाँ हम लोगों ने 2 दिन तक सभी मंडियों का दौरा किया, देखा, और उसके बाद बड़ी तेज़ी से राज्यों ने इस दिशा में कानून परिवर्तन किए। अभी तक 17 राज्य और एक संघ शासित राज्यों ने पूर्णतः या आंशिक परिवर्तन कर दिया है, 7 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य ने अभी कोई परिवर्तन नहीं किया है, 8 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में मंडी कानून नहीं है, 2 राज्यों में मंडी कानून है लेकिन लागू नहीं है। लेकिन जिन राज्यों ने मंडी कानून में परिवर्तन किया है या आंशिक कर रहे हैं, और चर्चा में केरल पंजाब और बिहार को छोड़ दें तो लगभग सभी राज्य इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए हैं, और अभी तक हमारे पास 12 राज्यों से 365 मंडियों के प्रस्ताव आए, और उसमें हर मंडी के लिए हम अलग से धनराशि की सहायता करते हैं, आईटी के इंजीनियर देते हैं, उसमें 365 मंडियों को हमने मुहैया कराया है, और 14 अप्रैल 2016 में 8 राज्यों के 21 मंडियों को हमने 1 ट्रेडिंग प्लेटफार्म से जोड़ा है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के द्वारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके, बाद में 2 और मंडी जुड़ी है,
और पायलट प्रयोग चल रहा है और इस प्रयोग के तहत अभी तक 108 करोड़ की बिक्री किसानों ने उन 23 मंडियों में की है। 3000 व्यापारियों और लगभग 17000 किसानों का इसमें पंजीकरण हुआ है और मुझे विश्वास है कि सितंबर महीने में 200 मंडी इसमें वन ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म में जुड़ जाएंगे। 18 मार्च आते आते 200 और जुड़ जाएंगे। लक्ष्य हमारा है मार्च 18 में 585 बड़ी मंडियों को जोड़ने का। यदि राज्यों ने सहयोग किया तो 2017 के अंत तक ही हम 585 मंडियों को अवश्य जोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन सर, देयर इज नो डाउट दैट थ्रू फोकस्ड अटेंशन एंड अदर इंटरवेंशंस वी कैन अचीव दिस गोल। आई स्ट्रांगली फील दैट इफ देयर इज ए सेपरेट बजट फॉर एग्रीकल्चर, experts feel that half of the job is done. Our Chief Minister Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh for the first time in the country introduced separate budget for agriculture. So I would like to know from the Honourable Minister whether any efforts have been made from his side to have a separate budget for agriculture to achieve the objective of doubling farmers' income by 2022. Modi sarkar ka aisa कोई विचार अलग से बजट का नहीं है, लेकिन सरकार ने कृषि के बजट को बढ़ाया है और गांव के विकास का की जो योजनाएं हैं उसके बजट में भी भारी बढ़ोतरी इस वर्ष की गई है। श्री शिव प्रताप शुक्ल, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उत्पादन लागत मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन दोनों में अंतर कितना है? लागत मूल्य पर आमदनी का रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और स्टेट वाइज ये क्या स्थिति है? इन दोनों को कृपा करके सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। देखिए, लागत मूल्य और समर्थन मूल्य तक का जहाँ तक सवाल है तो देश के 16 विश्वविद्यालयों के कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से राज्यों के सहयोग से एक संस्था 20 राज्यों के लागत मूल्य का अध्ययन करती है और वो जब लागत मूल्य प्राप्त होता है तो फिर जो आयोग है जो मूल्य निर्धारण करती है उसका एवरेज निकालकर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। राज्यवार ब्यौरा यदि चाहिए तो माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उसकी यही प्रक्रिया है। और निश्चित रूप से समर्थन मूल्य बढ़ाते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि जो लागत है उससे उसकी किसान को ज़्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए और कभी कभी आयोग अधीन जो समर्थन मूल्य देने की सिफारिश करती है तो मंत्रालय भी समय समय पर और कैबिनेट भी उस मूल्य में वृद्धि करती। श्री शेर, दैट्स ऑल फिनिश्ड। श्री रेवती रमन सिंह, माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करने का आपने प्रस्ताव रखा है, इस समय कृषि का जीडीपी का हिस्सा 4% है और अगर इसको दुगुना करना है तो जब तक कृषि का हिस्सा 11% जीडीपी नहीं होगा तब तक उसको पाना असंभव है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह आप इसको बढ़ा के 11% लाएंगे 2022 तक, उसके लिए कौन कौन से आपने कारगर कदम उठाए? 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी की जाए इसके लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है और उस समिति का जो काम है वो हमने जो लेख किया है उसमें वो हमारे 7 बिंदु अंकित हैं जो पेपर हमने लेख किया है। अब इसकी जो पहली रिपोर्ट सितंबर में आनी है, वो कमेटी अभी इस बजट के बाद अप्रैल महीने में बनी है, लेकिन फिर भी जो हमने नए उपाय किए हैं, सबसे पहले तो ये जो किसानों का उत्पादन बढ़े इस दृष्टि से हर खेत को पानी मिले और हर खेत को पानी मिले इसके लिए अपने देश में हम सबको पता है कि आज़ादी के लगभग 69 वर्ष होने के बाद भी 55-56% खेत को पानी नहीं है और हम लोग गांव में आज भी जो
सामान्य किसान हैं, पानी खरीदते हैं 200 रुपये घंटा 150 रुपये घंटा, तो हर खेत को पानी, और इसके लिए जो सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ की थी, सभी जिलों को इरिगेशन प्लान बनाने के लिए पैसे 15 के प्रारंभ में ही भेज दिए गए थे, और मुझे खुशी है कि हर राज्य अधिकतर जिलों में इरिगेशन प्लान अपना लगभग 80% जिलों का बना लिया है। फिर जो देश के अंदर 89 योजना पहले थी, लेकिन अभी कैबिनेट ने परसों जो मंजूरी दी है 99 देश के मध्यम और बड़ी परियोजनाएं, जिससे 86 लाख हेक्टेयर की खेती हो सकती है, 15-20 वर्षों से लंबित है, इस पर कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है, तो उसके लिए कॉर्पस फंड का निर्माण किया गया है नबार्ड के सहयोग से, और इस वर्ष उसमें से 27 परियोजना पूरी कर दी जाए, इसके लिए 12,500 करोड़ रुपये की राशि भी दी गई है। इसी तरह से ये लागत कम हो इस दृष्टि से हर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाए, तो हर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाए, इसके लिए राज्यों को पर्याप्त राशि दी गई, लेकिन राज्यों के पास परेशानी पिछले वर्ष ये थी कि उनके पास लैब नहीं थे, या लैब यदि थे तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, लेकिन राज्यों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है, और मार्च 2017 तक हर किसान को देने का जो हमारा लक्ष्य था, 3-4 महीने का इधर उधर हो सकता है, लेकिन हर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड मिलेगा, ताकि उसको पता चले कि कितना खाद देना है, कितना दवा देनी है, इससे भी लागत कम होगा। फिर इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय कृषि मंडी, जिस पर अभी हमने चर्चा की है कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले, उत्पादन ज़्यादा हो, लागत कम हो, नीम कोटेड यूरिया पहले 100 किलो देते थे तो अब 80 किलो में काम चल सकता है। फिर जो यूरिया के लिए लाठियाँ चलती थी, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते थे, किसान लाठी खाता था और ब्लैक में खरीदना पड़ता था, ये पहला वर्ष होगा जो देश में कहीं सदन में भी बराबर सभी माननीय सांसद लोकसभा में तो यूरिया की मांग राज्यों के लिए करती थी, पहला वर्ष है जो यूरिया की मांग नहीं हुई, और 15-16 वर्ष में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ, और पहली बार 25-30 वर्ष के बाद DAP का दाम कम किया गया है, पोटास का दाम कम किया गया है, ताकि लागत कम हो और अच्छी मंडी मिले, इसलिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसी तरह से कई योजनाएं हमने प्रारंभ कर दी है, और कमेटी का जब रिपोर्ट आएगा तो और भी रिपोर्ट में जो बातें आएंगी उसको भी हम लागू करेंगे। थैंक यू श्री बंदोपाध्याय। ऑलरेडी अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2032। इन द रिप्लाई टू द क्वेश्चन इट हैज बीन स्टेटेड ए कमिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू सेट अप टू इंडिकेट द डिजायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ। इफ द गवर्नमेंट इज अनवेयर of the rate of growth, how could it announce a farm year for which the farmer, by which the farmer's income will be doubled? महोदय, शायद इन्होंने जो हमने लेख किया है उसका दूसरा पेज नहीं देखा है। दूसरे पेज पर बहुत साफ लिखा है कि कृषिगत उपार्जन किसी किसान की आय का प्रमुख स्रोत है। किसान की आय को दुगुना करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाली मुख्य युक्तियाँ इस प्रकार से हैं दूसरे पेज में, और ये लगभग 8 युक्तियाँ इसमें लिखी हुई है, और उसमें 4-5 युक्तियों का हमने वर्णन किया, अभी अनुमति मिले तो मैं 8ों का, लेकिन लगता है कि 1.5-2 घंटे समय इसमें चले जाएंगे, पूरा क्वेश्चन आवर इसी में चला जाएगा, लेकिन बजाते इसमें ले किया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी युक्ति हम अपना रहे। क्वेश्चन 137, क्वेश्चनर नॉट प्रेजेंट, लेट द सप्लीमेंट्रीज बी आस्क्ड। यस सर। सर, जैसा कि सवाल में लिखा है, मेट्रो जो लोकल ट्रेन है ये मुंबई की लाइफलाइन है, और पिछले 2 सालों में इस सरकार ने और विशेषकर रेलवे मंत्री ने लोकल्स को मल्टीफोल्ड उसके लिए कितना ज़्यादा काम किया जा सकता है, मुंबई के लिए अपना काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, स्पेशली बरसात के मौसम में जो कई बार लोकल ट्रेन रुक जाती है, क्या उसके लिए भारत सरकार ने कोई एडिशनल फैसिलिटीज वहाँ पे डेवलप करने का प्रयास किया है? थैंक यू सर। ये सही है कि मुंबई जैसे शहर में मुंबई सबर्बन रेलवे ये लोगों के लिए सही माने में जीवन जीने का एक सहारा है,
और इसलिए उसकी मरम्मत करना, उसको ठीक तरह से मजबूत करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है जिसका जिक्र सम्मानित सदस्य ने किया। वैसे कि हम बहुत ही जल्द एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाने की कोशिश में लगे हुए कि दो, आपको पता होगा सर कि दो जगह मुंबई की सबर्बन रेलवे चलती है, एक सेंट्रल रेलवे कहा जाता है, एक वेस्टर्न रेलवे कहा जाता है, वो सेंट्रल रेलवे में एक हार्बर लाइन भी आती है। ये तीनों के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर बना के, क्योंकि आज की जो क्षमता है वो क्षमता पूरी मात्रा में पर्याप्त नहीं है कितने लोगों को कैरी करने के लिए, और इसीलिए नई परियोजनाएं बनाई जा रही है। राज्य सरकार के साथ में लगातार हमारी बातचीत होती रही है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि बहुत ही जल्द एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। MUTP 3 जैसा एक प्रोजेक्ट है वो भी कार्यान्वित किया जाए ताकि उसके कारण आज में जो प्रेशर आ रहा है रेलवे लाइन के ऊपर वो भी कम किया जा सके। जैसे कि सम्मान सदस्य ने पूछा कि बारिश के दिनों में जो समस्या आती है, आपको पता है सर मुंबई शहर ऐसा शहर है, एक इज आइलैंड सिटी, वैसे तो 7 आइलैंड्स थे उसको एक करके अभी एक आइलैंड सिटी बन गई है। इसीलिए पूरी मात्रा में एक सीधी, जैसे चिली जैसा देश है उसी तरह से मुंबई शहर की रचना है। इसलिए जब दोनों साइड से समुंदर है, बारिश जब आती है और हाई टाइड होती है तो पूरी मात्रा में सभी जगह पर फ्लडिंग हो जाती है। आज भी रात को बहुत बड़ी बारिश मुंबई में हुई है, उसका भी नतीजा मुझे मालूम नहीं आज क्या है, लेकिन बहुत ही मात्रा में बारिश हुई है। तो सब जगह से जब आती है तो एक समस्या आती है जो फ्लडिंग की वजह है, उसीलिए एंटी फ्लडिंग मेजर्स के लिए हर साल बारिश के पहले हम लोग लगातार निगरानी करके ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो नाले हैं उसको साफ सुथरी रखा जाए। लेकिन मुंबई में और एक समस्या है सर, वो सामाजिक समस्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ दोनों ट्रैक के तरफ बसाई गई है, उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो पानी का हो सकता था उसमें भी बाधाएं आती है। इसलिए मैं मानता हूं इस समस्या को हल करने के लिए बड़ी मात्रा में काम करने की जरूरत है, इसीलिए हम लगातार राज्य सरकार के साथ में भी मिलकर उसके बारे में बातचीत करते हैं। श्री रामनाथ ठाकुर। तीन वर्षों में मुंबई लोकल ट्रेनों में 3394 करोड़ रुपया की जो हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए मंत्री जी कौन सा उपाय कर रहे हैं, रेल मंत्री जी कौन सा उपाय कर रहे हैं? सर ये जो मुंबई सबर्बन रेलवे ही नहीं तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे जो शहर है इसमें जो हमारी सबर्बन रेलवे चलती है ये सभी में घाटा है। घाटे की वजह यह है कि जो जिस तरह से हम उनके लिए मंथली पास के चार्जेस लगाते और जो कॉस्ट है इसमें जो अंतर है उसकी वजह से घाटा है। इसमें घाटे की वजह यह है और स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके बारे में कुछ 3 साल पहले जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा था कि ये जो घाटे की वजह है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और फेयर दैट वी चार्ज टू द पैसेंजर इसमें जो अंतर है उसकी वजह से घाटा, ये सब्सिडी है सही माने में देखा जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब्सिडी आज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ गई है कि रेल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, उसको दूर करने के लिए बहुत समय से काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी हाल ही में कहा कि हम लोग ये कोशिश करें कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, शायद वो जब एलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे तो जो प्रीमियम ट्रेन्स रहेंगी उसके लिए एक ड्यूअल प्राइसिंग का मैकेनिज्म भी बनाया जा सकता है। लेकिन सही माने में बहुत सारे एक्सपर्ट कमिटीज ने कहा है कि इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सो इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इंट्रा स्टेट मुंबई के मुंबई में चलने वाली ट्रेन, कलकत्ता टू कलकत्ता में चलने वाली ट्रेन, चेन्नई और चेन्नई में चलने वाली ट्रेन, ये सभी की जिम्मेदारी सही माने में राज्य सरकारों की होनी चाहिए। लेकिन एक लगातार एक ऐतिहासिक वजह से ये काम केंद्र सरकार भी कर रहा है, इसके लिए हमने लगातार राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत करते रहे। हम एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाने की भी कोशिश करें, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ बातचीत हो रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो घाटा है वो घाटा नहीं है, सब्सिडी है। श्री रिपुन बोरा। थैंक यू चेयरमैन सर, दो दी क्वेश्चन रिलेट्स टू दी लॉस इन द लोकल ट्रेन इन मुंबई, बट माई क्वेश्चन इज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ आसाम इन मुंबई इन ट्रेन। सर व्हाट हैपेंस, देयर इज ए सेवरल नंबर्स ऑफ ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम आसाम टू मुंबई कैरिंग दी लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड हार्ट पेशेंट्स कमिंग फॉर ट्रीटमेंट इन मुंबई, एंड आवर कांग्रेस गवर्नमेंट दे आर बिल्ट अप ए वेरी बिग आसाम भवन एंड व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टे ऑफ कैंसर पेशेंट्स देयर, and the buses also goes from the Assam Bhavan to carry the patients to the hospitals. But what happens, sir, due to some irregularity sometimes, the cancer patients have to stand it.
on the train more than 24 hours. And there are a few instances, some passengers died on the train itself last year. So my question is to the Honorable Minister, whether he will kindly examine it and do the needful to address these problems. Sir, a medical emergency, लोगों की होने वाली समस्याएं जब वो सफर करते हैं उस समय उनको जो दिक्कतें आती है उसको दूर करने के लिए हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया कैंपेन शुरू किया. सर, मुझे कहने के लिए खुशी है. वैसे तो ये सवाल सबर्बन रेलवे के लिए सीमित था, लेकिन आपने पूछा, आप अनुमति देंगे तो मैं दो मिनट में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक डेढ़ साल में एक नई वी हैव स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम वेयर बाय एनी पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन ही एनकाउंटर्स एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी he can get in touch with the railways immediately on the real time basis. This was not a facility available to the passengers earlier. So now our target is we use it on a dashboard. We try to reach out to the customer within as fast as 30 minutes. I'm not able to say that, but railways have been able to help passengers in distress in several cases. I've got one very interesting tweet. The person tweeted having a medical emergency in 15 minutes at the next station. The ambulance was waiting with doctors and life support system. He was admitted to the ICU. The patient from ICU tweeted saying that I was admitted in ICU within 15 minutes. I cannot believe anywhere else in the world. And there are NRIs who are traveling by the train and saying that this is something which you cannot even imagine in our own country. So we are really trying to do that. But it's a fact. Just imagine the number of passengers travel by train every day. There are almost 27-28 lakh people. So to actually, 2 crore to 3 crore people every day, to actually manage the magnitude of people with the kind of complaint that they come out with, it's a really a mammoth challenge. Now what we are doing is, we are integrating all social media platforms and trying to make it into one, whereby by just pushing one single button, whether it is related to ticketing, or the second part will be related to any other travel-related complaints, you'll be able to access the railway system immediately. Thank you. This is something which we are trying to do. We are trying to do our best. I sympathize with all my friends in Assam. I'm going there tomorrow to the Northeast. I will try to look into it again. Thank you. Question 138. Please stand up. If you, it's your question. 138. Sorry, right, sir. Right. Thank you. Let the answer be given. Sorry, sir. Sir, an empowered committee sawal of puchye, secretaries. Sawal. Now, please ask your question. Sir, an empowered committee of secretaries in 2007 recommended for revival of Ramagundam urea and fertilizer plant in Telangana during Congress government, sir. And even after 9 years, still foundation stone was not laid for starting its revival, sir. Second week of January this year was set as moved to lay the foundation stone by PM, but it has not been done. Now, again, on 7th of this month, Prime Minister is going to lay the foundation stone, but I am not able to understand when it will be completed. Second thing, sir. What is your question? I'm putting, sir. Sir, a total of 3,000 casual labor and 450 permanent ones can be created in the unit once revived. The casual labor working earlier was removed as this plant was shut. Now there is a demand that it is a genuine one that the government must reappoint removed workers once plant becomes operational. This is also the demand of the workers. Sawal kya hai? Sir, puch raha, sir. Nahin, bhashan mat dijiye. Main bol raha, sir, main. So, will the Honorable Minister assure on this house that he would reappoint all the workers who were removed from the Ramagundam plant, and if not, the reasons may be given, and thank when you. This plant will be commissioned. Thank you. Let us. Good news, sir, for Honorable Member Govardhan Reddy Garu, as well as the entire people of Telangana. The decision was taken long back in 2007. But we started the entire process in 2014 after our Honorable Prime Minister gave a vision of making India self-reliant in urea production. And therefore, we also decided that we should proceed with the revival of Ramagundam project. Actually,
the NFL is having 26% of equity share. Engineers India Limited will have 26% of equity share. SBI Cap, we are having talks with them to have 11% of equity share. And Government of Telangana is also contemplating of having 11% of equity share. And because of this atmosphere and support, I think we will proceed with the foundation laying ceremony of Ramamundam very soon. And I assure within 36 months, the fertilizer plant will be ready with an investment of 6,000 crore rupees, and it will be producing 13 lakh metric tons of urea, which will be a great bonanza for the people of Telangana and the southern parts of India. Thank you. Dusra Prashan. And I will not come, sir. Regarding the labor, I asked the minister, has not given any reply, sir. Whether they will be taken there. Sir, the management, the joint venture partners, the JVP that has been formed, will take all administrative decisions. Of course, it is going to generate a lot of employment, direct and indirect. Together, there will be employment for not less than 4,000 people, sir, at different levels in different ways. Thank you. Shri Premchand Gupta. Are ho gaya, yahi to second question. Nahin, nahin. Bhai, aap do baar wahi sawal nahin pooch sakte hain. Relating to part D of the main question, sir, which talks about revival of Ramagundam that produces urea and fertilizer, sir. Sir, the government announced a reduction in the price of DAP, MOP, and NPK. And farmers felt very happy and thought that they would get fertilizers at a cheaper rate. But when they have gone to dealers, they found there is no change in the price of fertilizers. Rather, they have gone up little. Part D relates to expected capacity, not to the price. Sir, I want to answer this question, sir, with your permission. Yeah. Okay. Sir, actually, I have not asked a full question, sir. अरे भाई आप कितना समय लेंगे? आपने कहा Part D relates to expected capacity. Please give me chance, sir. I have not told complete, I have not asked a complete question, sir. Here the problem is that the decision of the government is applicable only on two PSUs of RCF and NFL. Those market share is less than 5%. 95% is controlled by private fertilizer what companies. What is the question? I'm putting, sir. Hence, I would like to know from the Honorable Minister, will the direct the private companies to reduce prices of fertilizers as announced by the government recently? If not, the reasons may be given. Thank you. Sir, with your permission, actually there is another good news for the farmers of this country. Actually, after 30 years... You are encouraging the Honorable Minister to ask more unrelated questions. I said, sir, with your permission only, because there should not be any apprehension in the minds of the farmers as well as people of India, that in 1977, Chaudhary Charan Singh Saab had reduced the price of urea by 30 rupees, and later, no government could reduce the prices of fertilizers. First time under the leadership of Narendra Modi, recently, on 5th of July, we have reduced the rates of DAP, MOP and NPK fertilizers, sir, to the tune of 2,500 rupees per ton of DAP, that is 125 rupees per 50 kgs bag, and 5,000 rupees for one ton of MOP, that is 250 rupees per 50 kg bag, and for NPK, jisko mishrik khad kehte hai, for NPK we have reduced 1,000 rupees, that is 50 rupees per 50 kg bag, sir. But the thing is, sir, ultimately this Essential Commodities Act that comes at the operation implementation at the level of the state governments. Therefore, I have requested personally, by sending letters
to all the chief ministers of the various states that they should enforce EC. They should also do siege and searcher and other search and other activities, so that every retailer, every dealer in the country, fertilizer dealer and retailer, will follow this MRP only. Thank you. Because all the manufacturing companies, sir, all the manufacturing companies, not only two public CPSUs, everybody has given an assurance to the undertaking to the Government of India, Fertilizer Ministry, this is the reduction of rate, MRP of DAP, MOP and NPK. We only expect, sir, because of this gift to the farmers, there is a good monsoon, we want a super harvest. Thank you. Super fasal for the farmers. Thank you. Shri Premchand Gupta. Bhai, aap baith jaiye. No, please sit down. That's enough. Shriman ji, dhanyavad. Manyavar, hamari badhti hui population ke liye fertilizers ki क्वांटिटी की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनंत कुमार जी हमारे अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने प्राइसेस भी कम की है, रेट की है। चौधरी साहब के बाद खाली आप लोग ही महान लोग आए जो प्राइस कम। सवाल पूछ लीजिए। ये प्राइसेस मैं वैसे ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, आपकी वजह से नहीं हुई है, बल्कि सारी दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस कम हुई उसका ये आउटकम है। और आप लोगों ने जितना कम करना चाहिए थे उतना भी कम नहीं किया, इसी तरह पेट्रोलियम में किया, इसी तरह डीएपी वगैरह में किया आपने। एनीवे श्रीमान जी, जिस प्रकार से यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर केमिकल्स का यूज एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है, इट इज हैजार्डस टू हेल्थ। मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा, आगे हमारी कोई भी एग्रो प्रोड्यूस वेस्टर्न कंट्रीज में या कंट्रीज जैसे जापान वगैरह हैं, इनमें जब एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल का एक्सेसिव यूज होता है। श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से और सरकार से, क्योंकि ये सबकी हेल्थ का सवाल है, बच्चे भी फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, इतनी केमिकल की एक्सेसिव यूज हो रहा है सब्जी तक, सर आगे ये सब हेल्थ हजार्डस है, तो क्या आपने कोई अल्टरनेटिव मैन्योर के ऊपर में कोई आपने काम किया? ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिक खाद है, सारी दुनिया में इस वक्त ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसलिए दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमतें घटती जा रही है। सर मान्यवर, आपने सवाल पूछ लीजिए, आप उनका जवाब सुन लीजिए। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वेस्टर्न कंट्रीज में और एडवांस कंट्रीज में यूरिया डीएपी इस तरह के ये प्लांट बंद होते जा रहे हैं, और आप जो है 6 नए प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, वो लगाइए आप, क्योंकि आवश्यकता है, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपने निकाला? थैंक यू, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। थैंक यू। हमारे मित्र सांसद प्रेमचंद गुप्ता जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जी, यानी हमारे देश में जैसे वो कह रहे थे ऐसे बैलेंस फर्टिलाइजेशन चाहिए। उस बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए हमें यूरिया से बाकी डीएपी एनपीके और एमओपी के तरफ, यानी फास्फेट पोटैश और बाकी जो गुणवत्ता वर्धक खादों के तरफ उसको लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हमने पहले नीम कोटिंग ऑफ यूरिया किया, फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरिया किया, उससे नाइट्रोजन स्लोली रिलीज हो जाता है और यूरिया का खपत भी कम हो रहा है, उससे 10% कम हुआ है और ज़्यादा कम होने का संभावना है, और एक साल में हम नहीं कह सकते, 2-3 साल लगेगा। और उसके साथ ये फोर्टिफिकेशन के साथ हमने ये भी शुरू किया है, यानी दामों में जो कम किया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुआ, ये सच बात है, लेकिन उसको सरकार मापअप करे या किसान को वो दे दे वो लाभ को, इसके बारे में मोदी सरकार ने निर्णय लिया। यानी जो फ्लक्चुएशंस इतने साल होते थे तो सरकार खुद मापअप कर लेती थी, लेकिन हमने पहली बार उसको किसानों को देने की काम किया। और तीसरा जो वेस्ट टू कंपोस्ट है, यानी जो हमारे शहरों में वेस्ट बनते हैं उस वेस्ट को
सेग्रीगेट करके प्रोसेस करके उसको कंपोस्ट बनाने का हमने काम शुरू किया है। और बैठिए ना, कृपया मैं पूरा करूँगा। वो कंपोस्ट के लिए पहली बार, यानी कंपोस्ट इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सर, देर वॉज नो सब्सिडी ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन लास्ट 68 years. This is the first ever time Modi government has brought 1,500 rupees per ton subsidy on compost. Therefore, this is the third one, sir, and we have brought the rates of compost per metric ton less than urea. If urea is 5,360 rupees, compost will be available around 3,500 to 4,000 rupees. Therefore, it will be an additional supplement for the farmers, sir. Thank you. Shri Chandrapal Singh Yadav. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में निवेश के लिए आपने नीति बनाई है, उस नीति के तहत इसमें बताया गया कि 6 लोगों ने नए प्रोजेक्ट लगाने की बात कही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई आदमी 6 में कोई आदमी इस पर काम नहीं कर रहा है। केवल जो आपके PSUs हैं उनके माध्यम से रामगुंडम, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी गोरखपुर में आपने शिलान्यास किया, लेकिन हम आपसे इस आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि उसके लिए आवश्यकता होती है गैस की, नेचुरल गैस की। ना गोरखपुर में नेचुरल गैस की कोई पाइपलाइन है, ना रामगुंडम में नेचुरल गैस के लिए कोई पाइपलाइन है। आपने कहा 36 महीने में हम प्रोजेक्ट लगा करके तैयार प्रोडक्शन आ जाएगा। मैं समझता हूं इन परिस्थितियों में जहां पाइपलाइन का भी अता पता नहीं है, उन परिस्थितियों में कैसे 36 महीने में प्रोडक्शन आ पाएगा। दूसरी तरफ जो आपकी निवेश की नीति है, आज जो लागत है 6,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट में आ रही है, और जो गैस की कीमत है 7 से लेकर के $8 प्रति उसके हिसाब से आ रही है, तो उन परिस्थितियों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है $350 जो है प्रति टन के हिसाब से हिंदुस्तान में यूरिया तैयार होगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में आज जो है $180 जो है प्रति टन से आपको मिलने के लिए तैयार है। जब $180 में मिल रहा है, हम 350 में खरीद यहाँ बना करके तैयार करेंगे, तो जो नई निवेश नीति है उसके माध्यम से ना तो प्रोजेक्ट कोई वायबल होगा, ना माननीय मंत्री जी हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो नए प्रोजेक्ट लगेंगे, आपने शिलान्यास कर दिया, काम शुरू कर दिया आपने PSU के माध्यम, कोई प्राइवेट प्लेयर इसके लिए तैयार नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन PSU के माध्यम से भी किया है, धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को, लेकिन कब तक जो है पाइपलाइन वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि आपको पता है कई प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हैं लेकिन गैस ना होने के कारण आज बंद पड़े हुए हैं, उनको गैस कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, इसमें क्या नई निवेश नीति में आप संशोधन करेंगे जिससे कि जो है प्रोजेक्ट वायबल हो सके, और जो हमारे ऊपर सब्सिडी का भार पड़ने वाला है जो यहाँ कॉस्ट ज्यादा आएगी उसके लिए सरकार की क्या नीति है। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, यानी हमारे मित्र चंद्रपाल सिंह यादव जी क्रिप्को के मुखिया भी है, और इस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी जानकार भी है। मैं यानी कानपुर में कानपुर फर्टिलाइजर सीमेंट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने के लिए आगे आए हैं, और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड ये भी एक निजी कंपनी है, वो जगदीशपुर में लगाना चाहते हैं। चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड गड़ेपान में वो फर्टिलाइजर प्लांट को बनाना शुरू कर दिया, वैसे ही मैटिक्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का वो पानागढ़ में वेस्ट बंगाल में तैयार हो गया है बनके, नरे तैयार हो गया है, लेकिन आप वो अलग बात है, नरे गैस है, नरे नहीं पूरा
नरे पूरा सुनने का धैर्य करिए, इतना ही निवेदन करूंगा। वो बन चुका है और बाद में अभी हाल में हम तलचेर में बना रहे हैं कोल गैसिफिकेशन से। ये नया टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी केवल चीन यूज कर रही है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोल है, इसलिए कोल बेस्ड पहला फर्टिलाइजर प्लांट हम वहाँ लगा रहे हैं, यानी तलचेर में। रामगुंडम में बन रही है, रामगुंडम में जो फर्टिलाइजर प्लांट बनने वाली है उसको मल्लावरम से बिलवारा गैस पाइपलाइन से हम गैस लाने वाले हैं। ये गैस पाइपलाइन लगाने के लिए 2 साल चाहिए और फर्टिलाइजर प्लांट को 3 से 3.5 साल चाहिए गेस्टेशन पीरियड, इसलिए वो दोनों को हमको कंप्लाई करना पड़ता है। और आपने कहा, यानी हमने गोरखपुर में और बरौनी में और सिंदरी में जो 3 फर्टिलाइजर प्लांट बनाने वाले हैं उसके लिए गैस कहाँ से मिलेगा। इसे पहले बजट में भारत सरकार ने जगदीशपुर से हल्दिया तक एक बड़ा पाइपलाइन लगाने का हमने तय किया, यानी पूरा उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए, यानी वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, यानी यहाँ केवल मात्र फर्टिलाइजर प्लांट ही नहीं है, फर्टिलाइजर प्लांट हो, पावर प्लांट्स हो और उसके साथ वहाँ सिटी गैस का भी प्रबंध हो, लखनऊ से लेकर के पटना से लेकर के रायपुर से लेकर के हर जगह के लिए सिटी गैस, यानी पाइपड गैस लाइन जैसे दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में है, वहाँ भी लागू हो। इसके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने एक 10,000 करोड़ का पाइपलाइन लगाने वाले हैं, उसका DPR हो चुका है और कई जगह उसका काम भी शुरू हो चुका है। थैंक यू। 2-2.5 साल में हम ये पाइपलाइन लगाएंगे और ये तीनों एंकर यूनिट्स भी बन जाएंगे और वो बिलवारा के पाइपलाइन से रामगुंडम को भी गैस मिलेगा और मैटिक्स को 1 MMSCMD 1 मिलियन अभी मिल रहा है, यानी कोल बेस्ड मीथेन, और बाकी उसके लिए नाफ्ता के जरिए कैसे उसको 60% तक चलाए उसके बारे में भी हमारे ध्यान में है, वो भी हम फैसिलिटेट करने के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू। कोई ऊर्जा का और गैस का कमी नहीं होगी, हमारे सभी फर्टिलाइजर प्लांट्स चलेंगे और भारत यूरिया इंपोर्टिंग कंट्री नहीं रहेगी, यूरिया एक्सपोर्टिंग कंट्री रहेगी। थैंक यू जी के नेतृत्व। थैंक यू श्री रापोलो। रेस्पेक्टेड चेयरमैन, कुड आई रिक्वेस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द हाउस। प्रिसाइज। रेस्पेक्टेड चेयरमैन, बाय द टाइम ऑफ UPA डिमिटिंग ऑफिस द फर्टिलाइजर यूनिट्स वर प्रोड्यूसिंग 230 lakh metric tons of urea, wherein now you are producing 244 lakh metric tons of urea. But by the time of demitting of office by UPA, the import of urea was just 70 lakh metric tons, wherein now it has reached to 85 lakh metric tons. What is the question? And in the market, the indigenous urea production is not that attractive among the agrarian sections farmers, wherein they are expecting to have the imported urea because of the better quality. Is the minister expected to assess the quality of the urea being produced in India so as to have our indigenous capacities enhanced? Thank you. Technically. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, in last 1 year, because of the new urea policy, we have increased the production by 19 lakh metric tons without adding a single NP of investment and putting a new plant, sir. And this year, as the honorable member has rightly said, India has produced the highest ever urea production in last 68 years, 244 lakh metric tons. Actually, the requirement of urea is slowly increasing, sir. When we took over, it was around 307 lakh metric tons. Now it is hovering around 320 lakh metric tons. And because of better monsoon, there will be a spurt, sir. And urea import also, we should also count, sir, out of 70 or 80 lakh metric tons urea we import, 20 lakh metric tons is from Oman, where we have OMIFCO.
and we have a offtake agreement with for 20 years. Therefore, whatever is produced at an affordable cost will come to India. Therefore, if you remove that 20 lakh metric tons, which is our reverse SEZ there, and I think that India's requirement on dependence on import is decreasing, sir. Thank you. And once we make India self-reliant, sir, by indigenous production, our production is of world-class production, sir. Our urea, I want to assure the farming community, because they should not have any confusion through your kind self, sir, that our urea, the urea produced indigenously by India, by our public sector undertakings and private companies, are of global quality and on the par with the world outside. Thank you. Thank you. Question 139. Sir, question 139. Let the answer be given. Sir, statement is laid on the table of... सर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने ठीक कहा कि हम प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर जगह आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कर रहे हैं, चाहे वो गैस सब्सिडी है, चाहे मनरेगा है, चाहे पेंशन है, चाहे ये क्या बात है कि यहाँ आप क्यों हेजिटेट कर रहे हैं फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए सब्सिडीज में? क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है? ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं सर, यानी हम कोई हिचकिचा नहीं रही है। भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहती है और इसके लिए हमने इस बजट में भी ऐलान किया है और इस बजट में ऐलान करके इसका पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, लेकिन कई चैलेंजेस है मैडम। सर, देर आर वेरी मेनी चैलेंजेस। एक चैलेंज ये है, यानी जो पंजाब एक एकड़ के लिए जितना खपत करेगा यूरिया, उसमें और उत्तर प्रदेश के किसान कितना खपत करेगा और ओडिशा के किसान कितना खपत करेगा, तमिलनाडु और कर्नाटक का किसान कितना खपत करेगा, उसमें बहुत अंतर है। ये नंबर एक है। नंबर दो, जो हमारे 16 करोड़ लैंड होल्डिंग्स है, फार्म होल्डिंग्स है, उसमें मालिक कौन है और बटाईदार कौन है, इसका भी पूरा डाटा हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी यदि हम डीबीटी करना चाहेंगे। और तीसरा, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उत्पादन खर्च भी अलग अलग है, यानी उनका एक्सपेंडिचर भी अलग अलग है, यानी इसलिए ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। इसलिए हम पायलट चलाना चाहते हैं 16 डिस्ट्रिक्ट में। वो पायलट के नतीजे के ऊपर, उससे जो हमको दिशा मिलेगा, उस दिशा से इसको आगे लेके जाने का हम करेंगे, क्योंकि जैसे हमने एलपीजी का डीबीटी किया और बाकी चीज़ों का डीबीटी किया, इतना आसानी से ये फर्टिलाइज़र के बारे में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान है उनको आज के जो दाम है, यानी जो सब्सिडाइज दाम है, यानी यूरिया के लिए हम 5,360 रुपीज़ का हमने एमआरपी को लॉक कर दिया। बाकी जो पीएनके फर्टिलाइजर्स है, डीएपी, एमओपी और एनपीके फर्टिलाइजर्स, उसके लिए हम एनपीके रेशियो में 8,000 से 9,000 तक हम सब्सिडी देते हैं पर टन के लिए, यानी यदि वो भी हम टोटल कास्ट में मिला देंगे, वो बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, किसान को भारी पड़ेगा। इसलिए ये सब्सिडी कंटिन्यू करते हुए ये डीबीटी को कैसे पासान करना और किसान को कोई त्रासदी कैसे नहीं होना, इसके बारे में हम पायलट चलाएंगे इस साल और अगले साल, वो पायलट के दिशा के अनुसार हम आगे बढ़े। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन। मैं काफ़ी, इन्होंने लंबा जवाब दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा हम 8 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स ले रहे हैं, 8 ही खरीफ के लेंगे और 8 ही रबी के, और मैं ये जानना चाहती हूँ किस आधार पर इन्होंने ये ज़िले चुने हैं, और जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी देने के लिए क्या एग्रीकल्चर का जो है कितनी हेक्टर होनी चाहिए किसान के पास, और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भी किसान जो है जो किसी की फसल बोता है
और उसको कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है और क्या उसको भी बेनिफिट देने के लिए क्या जमीन का इन्होंने पैमाना रखा है, क्या एग्रीकल्चर लैंड का पैमाना रखा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए हमने ये पायलट चलाने वाले हैं, पहले किस्त में बिहार के किशनगंज जिले में, पश्चिम बंगाल के मालदा में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, हरियाणा के करनाल में, ये सारे जिलों में, यानी पूरा देश के विभिन्न प्रदेशों का जिले हमने एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय के साथ मंत्रणा करके हमने लिया है और इसमें भी हमने मार्जिनल फार्मर्स के बीच में इस पायलट को चलाने वाले, जिसके पास एक हेक्टर, दो हेक्टर, ढाई हेक्टर होंगे, ऐसे किसानों के पूरा उनका ब्यौरा लेकर के हम इसको चलाने वाले हैं। और आपने जैसे कहा ये सारे सवाल है, इसमें सारे चैलेंजेस है, यानी किसके पास लैंड होल्डिंग होगा, को किसको, कोई केवल मात्र बटाईदार है और किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं है, ऐसे सभी लोगों को लेकर के हम इसको चलाना पड़ता है। इसलिए ये एक प्रयास है, जब हम इस पायलट को चलाएंगे तब भी हम इससे इस विषय के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू श्री श्रीनो, प्लीज। भाई प्लीज डोंट स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट नाउ। अगर जवाब नहीं दिया है तो आप ये लिख के दीजिए कि जवाब नहीं दिया है। भाई प्लीज प्लीज, देयर आर अदर्स आल्सो हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस। सर मैंने कह दिया, कृषि मंत्रालय के मंत्रणा के बाद हमने किया है, अभी पंजाब भी हम लेने वाले हैं, हम किसी प्रदेश को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सोच ऐसे रहा, यानी 16 प्रदेशों को हम ले, 16 जिलों को ले। आप भी जानते हो, यदि जब पायलट लेते हैं 200 जिलों का नहीं लेते हैं, ठीक, दैट्स ऑल राइट, 15 जिलों का ही लेते। थैंक यू श्री रागेश। सर आफ्टर द इंट्रोडक्शन of the nutrient based subsidy scheme and the policy of decontrol of fertilizers, prices of fertilizers, particularly certain fertilizers, increased into many fold. In fact, it had resulted in the excessive use of certain fertilizers like urea, which the honorable minister himself was saying that the demand for urea has been increased into many fold, which ultimately led to the destruction of the soil health. Means NBS scheme affected the soil health, nutrient base of the health, this soil itself. Considering these aspects, whether the government will reconsider the policy of NBS scheme and also revert the policy of decontrol of fertilizers. Thank you, sir. Thank you. Sir, there are two parts. Urea is controlled, MRP is controlled, and there is full subsidy. On non-urea fertilizers, sir, it is half controlled. We cannot say it is totally decontrolled because we also give NBS, nutrient-based subsidy, to non-urea fertilizers, DAP, MOP, and NPK fertilizers. And in that, sir, we look at the reasonableness of the MRP. Therefore, this time the reduction has taken place. I agree with the honorable member through you, sir, that there is a need about thinking afresh about the effectiveness of NBS and non-urea fertilizers. Shri Shambhu Prasad Tundia. Thank you, sir. सर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजना है, वैसे तो मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत मिल ही गया है, मगर फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये ट्रांसफ़र बेनिफिट योजना के लिए सरकार ने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। थैंक यू माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों में सूचित करना चाहता हूँ कि जो सरकार ने अभी कुल खरीफ में 8 डिस्ट्रिक्ट को तय किया है और 8 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
हम वो प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट हम कैसे किसानों को दे सके, और उनकी तैयारी के लिए सर हमने पहले से ही तैयारी हमें पहले से ही करनी होगी, क्योंकि किसान की भी कोई लैंड होल्डिंग किसके पास छोटा है, किसके पास ज़्यादा है, और वहाँ स्थानिक तकनीकी भी तैयारी करनी होगी, और सारा डाटाबेस करना होगा। डाटाबेस के लिए कंप्यूटराइज ऊपर से नीचे तक लिंकेज करना होगा, ऊपर स्टेट से, सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, और ब्लॉक से विलेज तक उसका डेटा एनालिसिस करना होगा। ये सभी तैयारियाँ सरकार ने जहाँ भी अभी पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वहाँ के लिए तैयारी कर ली है। ठीक है, श्री अमर शंकर साबले। ले लो ये प्रश्न भी ले लो। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि सरकार यूरिया की प्रति बैग पर कितनी सब्सिडी देती है। थैंक यू। सर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि प्रति बैग पर सरकार कितनी कितनी सब्सिडी देती है, सर सभी यूरिया में जो सरकार ने प्रति बैग पर सब्सिडी देने के लिए तय किया है, उसमें से 6,000 रुपीज हम यूरिया में एक मेट्रिक टन पे सब्सिडी देते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 140 ना, सॉरी, आई हैड थ्री सप्लीमेंट्रीज। नहीं, अब नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आप उनसे अलग पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, तीन सप्लीमेंट्रीज हो गई। नहीं, प्लीज आप बैठ जाइए। चेयरमैन सर, आई वांट टू ऐड ओनली वन थिंग। नो प्लीज, यूरिया एमआरपी इज फिक्स्ड एट 5,360 पर टन। आई हैव कॉल्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर इज गिवन एज सब्सिडी। आप डिटेल्स देते नहीं। नहीं, अब भाई आप बैठ जाइए। वर्मा साहब प्लीज, आप अपना सवाल पूछिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि आपने उच्च न्यायालयों से जो जानकारी अधीनस्थ न्यायालयों की प्राप्त की है, उसके अनुसार जो आपने बताया कि 20,502 और कार्य संख्या 16,070 है, 4,432 रिक्तियां हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये जवाबदारी राज्य सरकारों की होती है, और राज्य सरकारों को इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सन 93-94 से लेकर अब तक 5,350 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने कभी इन राज्य सरकारों को बुलाकर पूछा है कि जो राशि उन्हें दी गई है उसका कहाँ तक उपयोग हुआ। आज जो अधीनस्थ न्यायालय है, माननीय मंत्री जी शायद अधीनस्थ न्यायालयों में तो नहीं जाते, विधि मंत्री जी हैं उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालयों में जाते होंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों की जो दशा है, अगर आप वहाँ जानकारी लें तो वहाँ न उनके जजों को बैठने के लिए कमरे हैं, न और किसी प्रकार की सुविधा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इस बात की जानकारी राज्य सरकारों से ली है कि इस धनराशि का कितना उपयोग हुआ है। जवाब सुन लीजिए। सर, बहुत वरिष्ठ मोतीलाल जी ने जो बात कही है उनकी चिंता बहुत ही वाजिब है। जब तक सबॉर्डिनेट जुडिशरी नहीं ठीक होगी, तब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चिंता हम करें उनकी करना ज़रूरी है, और ये पॉलिटिकल कंसेंसस रहा है। इसलिए 93 से अब तक 5,350 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और पिछले 2 साल में हमारी सरकार ने 1900 करोड़ रुपए दिए हैं। अब जो आपने बात कही, लगभग 2,447 कोर्ट हॉल बन रहे हैं। आप तो राज्यपाल भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आप इस बात से भली भांति जानते हैं कि हमारी भूमिका सीमित है। ये विषय हाईकोर्ट और प्रदेश सरकार उसको एग्जीक्यूट करती है। तो हमने बार बार उनसे उत्तर मांगा है, कई जगह काम हो रहा है, और कमियां होगी तो मैं इस विभाग के मंत्री बनने के बाद इसको और देखूंगा कि इसमें गति आए। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी की स्थिति सुधरे, इसमें हम सबों की सर्वानुमति है और हमारा प्रयास जारी रहेगा। दूसरा सवाल बहुत जल्दी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्य न्यायमूर्तियों की 5 अप्रैल 2015 को
एक संयुक्त सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा हुई थी 2015 के बाद में आज 2016 हुआ उसके उस चर्चाओं के आधार पर क्या उन राज्यों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्रियों ने कोई काम किया है कि नहीं एक साल पूरा होने आ रहा है क्वेश्चन आवर ओवर आई एम सॉरी स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर करेक्टिंग आंसर टू क्वेश्चन श्री भगत सभापति महोदय मैं दिनांक 4/3/2016 को आतारंकित प्रश्न संख्या 1010 के दिए गए उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता थैंक यू हाउस इज अडजर्न्ड टिल 2:30 PM